केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज भी आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के विकास के लिए 2018 में बीजपुर में वन धन विकास योजना की शुरुआत की थी। अब केंद्रों का विस्तार कर 60,000 से अधिक आउटलेट खोले जाएंगे। वनधन विकास केंद्रों में समूह के लोग, जिसमें आदिवासी और जनरल भी शामिल होंगे, इसमें आदिवासियों द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट की मार्केटिंग सरकार करेगी। अब 600 केंद्रों की जगह तय कर ली गई है। उन्होंने सेवा भारती विद्यालयों के सवाल पर कहा कि एकलव्य आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। अभी शिक्षक नियुक्ति केंद्र करेगी, जो पहले राज्य सरकार करती थी। धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू हैं, लेकिन लोग गरीबी का फायदा उठाकर विदेशों का फंड लाकर भ्रमित करते हैं। दिलीप सिंह जुदेव ने घर वापसी आंदोलन चलाया और उनका परिवार आज भी कार्य कर रहा है। आज इससे बात को लेकर युद्ध में आक्रोश भी है। अजीत जोगी ने जाति के मामले में कहा कि उनकी जाति का मामला काफ़ी विवादित है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि वे आदिवासी नहीं हैं। उन्होंने नक्सलवाद के प्रश्न में कहा कि नक्सलवाद माओवाद को समाप्त करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार में कोई मतभेद नहीं है, इसे समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।